हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ तीसरे वीडियो के साथ में। हम बात कर रहे हैं, हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर हम एक्सट्रैक्ट की क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम जो करने वाले हैं वो है सर थर्ड नंबर का वीडियो, थर्ड नंबर का एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे रेडी है आई थिंक, तो स्टार्ट कर दिया जाए। लीजिए सर, हमारा थर्ड नंबर का जो एक्सट्रैक्ट है, जो लेसन के अंदर जो लाइन्स आई है, जो पैसेज आए, उनकी बात करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ चेक करते हैं। कि सर, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। साहेब आलम ने पूछा कि क्या आपकी स्कूल रेडी हो गई है, तो एनिस जंग ने उसको रिप्लाई करा कि इट टेक्स लॉन्गर अ बिल्ड स्कूल, मतलब समय, स्कूल बनने में समय लगेगा। आई से मैं उसे कहती हूँ इम्प्रेस्ड, थोड़ा सा लज्जित होते हुए, एट हैविंग मेड प्रॉमिस, क्योंकि मैंने उससे जो प्रॉमिस किया था वो फेक प्रॉमिस था, फेक प्रॉमिस था, फेक प्रॉमिस, जिसका कोई मीन्ट नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड, भर भर के, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में है, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, उनके होपलेस वर्ल्ड में, उनके आशा रहित संसार के अंदर। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसको जानने के बाद में, महीनों तक जानने के बाद में मैंने उसके नाम नाम पूछा, तो उसने नाम बताया साहेब आलम। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया, ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस, वो तो इसके नाम का मतलब भी नहीं जानता, वो तो इसके नाम का मतलब भी नहीं जानता। नाम है साहेब आलम और काम करता है बिना चप्पल, बिना जूतों के, रेग पिकिंग का काम करता है, कचरा चुकता है। तो सर, इसमें एक लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, और वो लिटरेरी डिवाइस, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बात करी थी, वो लिटरेरी डिवाइस है आयरनी, व्यंग्य, आयरनी है, व्यंग्य है भाई साहब, कि नाम साहेब आलम है, संसार का बादशाह है, बट उसके पास में चप्पल भी नहीं है और कचरा चुकता है, ऐसा। फिर लिखा हुआ है इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो साहेब आलम इसके नाम का मतलब जान जाए तो उसको मुश्किल से ही बिलीव हो। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स उसका नाम है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको मुश्किल से ही विश्वास हो। ये इतनी लाइनें पहले वाले वीडियो में भी आ चुकी थी, तो थोड़ा मैंने तेज ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अनअवेयर, अनजान, अनअवेयर है बंदा, अवेयर नहीं है, अनजान है। व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का मीनिंग क्या है, वो नहीं जानता, अनअवेयर है, अनजान है, उसको नहीं पता उसके नाम का मतलब क्या है। और वो बंदा रोम, वो तो भटकता रहता है, संसार का बादशाह नाम का मीनिंग है, बट वो रोम करता रहता है, वो भटकता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ में भटकता रहता है, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर, नंगे पैर अपने दोस्तों के साथ में वो भटकता रहता है, विदाउट शूज। बॉयज हु अपियर लाइक द मॉर्निंग, ये बच्चे कैसे आते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह ये बच्चे कैसे आते हैं, बोरे बोरिया बिस्तर, अपना बोरिया लेकर, अपना मतलब थैला लेकर, रेग पिकिंग का थैला लेकर, सुबह जैसे पक्षी निकलते हैं ना, वैसे ये लोग निकलते हैं और डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब होता है इनविजिबल, डिसअपियर का मतलब इनविजिबल, गायब होना, और गायब हो जाते हैं दोपहर में। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों तक मैंने उनमें से हर एक को जान लिया कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, ऐसा ऐसा मैंने जान लिया, ये एनिस जंग हमें कह रही है। आइए सर, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज ही अनाउंस व्हेन ही इज आस्क्ड हिज नेम, जब एनिस जंग ने साहेब को अपना नाम पूछा तो उसने क्या नाम बताया, तो सर उसने नाम बताया साहेब आलम। उस लड़के ने, उस बच्चे ने नाम क्या बताया, साहेब आलम, उस बच्चे ने अपना नाम बताया। फिर है एंटनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है, बिलीव, बिलीव मतलब सर विश्वास करना होता है, विश्वास का अपोजिट क्या होगा, हैविंग फेथ, फेथलेस, बिलीवलेस या डिसबिलीविंग, कि सर बिलीव का जो अपोजिट होता है वो होगा डिसबिलीविंग, बिलीविंग डिसबिलीविंग, बिलीविंग डिसबिलीविंग, ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में, शायद यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते होंगे, शायद राजस्थान बोर्ड में भी पूछे जाते होंगे, शायद राजस्थान और यूपी में तो नहीं, बट एमपी में 101% पूछे जाते हैं एक्सटेट के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है मीनिंग बताना है, डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब होना, तो मैंने बताया था इनविजिबल, मैंने आपको बताया था इनविजिबल, गायब होना, तो सर गायब होने को वेनिश भी बोलते हैं, वी ए एन आई एस एच, वेनिश, वेनिश का मतलब गायब होना, वेनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना, वेनिश मतलब गायब, 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 डिसअपियर होना, वेनिश मतलब डिसअपियर होना, गायब होना। व्हाई डज द नरेटर फील इम्ब्रेस्ड, नरेटर इम्ब्रेस्ड क्यों हो जाती है, लज्जित क्यों हो जाती है, क्योंकि उसने कैसा वादा किया था, फेक प्रॉमिस किया था, कैसा वादा किया था,
फेक प्रॉमिस किया था. व्हाट इज द मीनिंग साहेबे आलम? साहेबे आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. साहेबे आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ये इस प्रकार से आपके पांच क्वेश्चन होते हैं. और इन पांच क्वेश्चंस को करकर आपको कैसा लगा? हमने तीसरा वीडियो बनाया है एक्सटेट का, अब चौथा वीडियो आएगा. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसको आप क्लिक करें. और यहाँ पर प्लेलिस्ट का बटन आ रहा है, इस प्लेलिस्ट को आप चेक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें. जरूर से ये काम आपको करना ही है. विदा लेना चाहूंगा. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. जय हिंद.